जे एंड के क़यादत तमन ब्रोह मे भारतीय जनता पार्टी मं शमूल जनाब नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जनाब अशोक कोल जी जिंदाबाद, जनाब अमित शाह जी जिंदाबाद, जनाब मीर साहब जिंदाबाद, जनाब जावेद अहमद कुरैशी साहब जिंदाबाद, जनाब जरगर साहब जिंदाबाद, जनाब रहमान साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, मीर साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, मीर साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, जीत हमारी इंशाअल्लाह। ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं इनका अपनी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम है हमारी, हमारे अहदेदार हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत रिस्पॉन्ड दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आगे जाकर पार्टी के लिए 24 घंटे काम करूँगा। और मुझे लगा कि जो बाकी लोकल पार्टीज हैं ये सब धोखा बहकावे में लोगों का करते हैं, वोट लेते हैं, वोट बैंक को तहस नहस करते हैं और लास्ट पर ये लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज मैंने फैसला किया है कि इंशाल्लाह ये जो लोग हैं, ये जो यूथ हैं, ये कह रहे थे घर घर इंजीनियर, आज से कोई नहीं कहेगा इंशाल्लाह, अब मैं काम करूँगा। आज से कहेंगे ये हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, इंशाल्लाह भारतीय जनता पर ये जो फूल है हर घर में खिलने वाला है, ये मैंने तैयार कर रखा है अपने इन साथियों के साथ जो मेरे सीनियर साथी हैं, कदम कदम शान बशान मैं उनके साथ काम करूँगा। और आज मुझे लगा काश आज पहले 5-6 महीने में आता तो कुछ और ही होता, तो भी बात कोई नहीं है, आगे आगे देख होता है कि इब्तदाई मोहब्बत में रोता है क्यों, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आज जो ये यहाँ इलाकाई पार्टियाँ जो ये हैं कश्मीर के हैं बनहल से यहाँ, ये लोगों को जो ये बहकावे में आ रहे हैं, लोग गरीब लोग यहाँ हैं, यहाँ लोगों को जो बेसिक राइट्स चाहिए, जो मैंने अभी कहा है कि यहाँ जो SPUs हमारे 30,000 लोग हैं, मैं अपने कयाद से जाकर हमारी गवर्नमेंट है सेंटर में यहाँ मैं उनका इंशाल्लाह काम करूँगा। रशीद इंडा ने यहाँ कुत्ते लिए थे उधर, मैं भेड़ और बकरियाँ ले लूँगा सेक्टर अगर ये करेंगे, क्योंकि वहाँ हम मार कर उनको खाएंगे, लेकिन अपना इनको जो हमारे साथ 30,000 SPUs हैं इनके साथ सरसर जाते हैं, और बाकी जो जवान हैं इनके रोज़गार के मसाइल हैं, अपनी इस क़यादत के साथ हम इंशाल्लाह मोदी जी से मांगेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, उसके बाद उन्होंने यहाँ रखा है अल्लाह पाक ने जो मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ जो हमारी क़यादत है, इंशाल्लाह आने वाली सरकार जो है ये वो हमारी भारतीय जनता पार्टी, ये जो आप देख रहे हैं इधर ये गाड़ियां वाड़ियां, ये लास्ट पर वहीं आकर कहेंगे साहब हमारी भी के लिए कोई जगह दे दो, लेकिन इंशाल्लाह रहमान, इसलिए आज मैंने जो फैसला किया है सोच समझकर और अपनी ज़िंदगी में आज सबसे बड़ा खुश हूँ, अपने इलाके में इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे, हम जानता है इंशाल्लाह आगे आगे, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप देखो क्या हो जाएगा, काश थोड़ा वक्त वक्त लोग तो भी हम इतना मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, इनको हम करके दिखाएंगे, जो अपने हक होगा आप हिस्सा होगा हर घर में, इन नौजवानों को मैं कह रहा हूँ आपकी वसादत से, आप जो मीडिया वाले हजरात हैं आपको भी इसमें एक रोल निभाना है कि आगे जो है ये भारतीय सरकार है और रहेगी पूरे देश में रहेगी, देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह पूरे रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग मीर साहब जैसे नेता, दिग्गज नेता जो पढ़े लिखे हैं, अफसर भी रहे हैं, बाकी जो हमारे जावेद साहब कुरैशी साहब हैं, ये हैं कोल साहब हैं, इन्होंने मुझे बहुत रिस्पॉन्ड दिया है, आज ही कुछ 2-3 महीने